नेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। नेकाल पर्वतमाला सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा बनाती है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों में मुख्यतः दो जनजातियाँ बैगा और गोंड निवास करती हैं। इन पहाड़ियों से अनेक धाराएं निकलती हैं जो नर्मदा और वैनगंगा की सहायक नदियों का काम करती हैं। ये पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के कबीरधाम और मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में फैली हैं। क्या आपको पता है कि अरावली पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है? 2.48, 3.28, 15.24, 7.56। भारत दुनिया के भूभाग का 2% भूभाग बनाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में 7वें नंबर पर आते हैं। भारत से ज़्यादा भूभाग केवल रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। भारत का कुल भूभाग क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 3,14,073 वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्र भी शामिल है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप किस देश में पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान या CRRI कहाँ स्थित है? कटक, त्रिवेंद्रम, वर्धमान, कोलकाता। CRRI की शुरुआत 1966 में हुई थी। ये संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत आता है और कटक में स्थित है। इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी एक चावल अनुसंधान केंद्र है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाएं साझा करता है? भूटान, चीन और म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत में असम और नागालैंड से लगती है। अगर बात करें पड़ोसी देशों की तो अरुणाचल प्रदेश इन तीन देशों चीन, भूटान और म्यांमार के साथ 1,817 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इनमें से 1,129 किलोमीटर की सीमा चीन के तिब्बत राज्य से लगती है। क्या आपको पता है कि म्यांमार के साथ भारत के कौन-कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के मौसम विभाग के साथ मिलकर मौसम की भविष्यवाणी करने वाली संस्था ESSO का पूरा नाम है। ऑप्शन 1, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन 2, अर्थ सिक्योर साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन 3, अर्थ साइंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन 4, अर्थ सिक्योर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ESSO भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसको 2007 में बनाया गया था। इसका पूरा नाम अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंतर्गत मौसम विभाग और IITM पुणे जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ESSO इन ऑर्गेनाइजेशंस को समय समय पर दिशा निर्देश और सहायता देता रहता है। क्या आपको पता है कि भारत के मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? कन्याकुमारी, कलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या कोवलम। अगर बात करें भारतीय मेनलैंड की तो इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसको पहले पिगमेलियन पॉइंट नाम से जाना जाता था। यहाँ से इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप केवल 145 किलोमीटर दूर है। क्या आपको पता है कि अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाले ज्वालामुखी का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। विश्व में जूट की खेती में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं। जूट का उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में भारत और बांग्लादेश में किया जाता है। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन और इसकी सबसे ज्यादा खपत दोनों ही भारत में होती हैं।
अगर बात करें सबसे अच्छी क्वालिटी के जूट की, तो वो हमें बांग्लादेश से मिलता है। कुछ मात्रा में जूट को चीन में भी उगाया जाता है। क्या आपको पता है कि चाय के निर्यात में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में वो कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य या अरावली? 1600 किलोमीटर लंबी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पूर्वी घाट से नीलगिरी पर्वतमालाओं में मिलती हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम दोदाबेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कुल तीन प्रमुख नेशनल पार्क मिलते हैं, जो हैं मुदुमलाई, मुकुर्थी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्या आपको पता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताएं। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? एंडीज पर्वत, हिमालय, पायरेनीज पर्वत या आल्प्स? कुछ सालों पहले माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन नेपाल और चीन द्वारा हुए सर्वे में इसकी ऊंचाई बढ़कर 8,886 मीटर हो चुकी है। ऊंचाई के लिहाज से समुद्र तल से ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यही है, लेकिन एवरेस्ट के अलावा भी हिमालय में केटू और कंचनजंगा जैसी बहुत सी चोटियाँ पाई जाती हैं जो दुनिया की अन्य चोटियों से ऊंची हैं। क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, लद्दाख पठार, मालवा पठार? दुनिया में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। लद्दाख का सबसे नीचा स्थान भी समुद्र तल से 2,500 मीटर ऊंचा है, जबकि इसका सबसे ऊंचा स्थान सल्तोरो कांगरी की ऊंचाई 7,742 मीटर है। सल्तोरो कांगरी को K10 भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि लिटिल तिब्बत नाम से किस जगह को बुलाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? कलोल, अंकलेश्वर, मेहसाणा या डिगबोई? भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में पाए जाने वाले ज्यादातर तेल क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और उसके आसपास के इलाकों में मिलते हैं। इनमें से असम की डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। इन तीनों में से भी डिगबोई सबसे जाना माना तेल क्षेत्र है और यहाँ पर एशिया का सबसे पुराना तेल का कुआं स्थित है। इसके अलावा अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाणा और सानन जैसे तेल क्षेत्र गुजरात में मिलते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किस जगह से होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है? ऑप्शन वन लगभग 20 किलोमीटर, ऑप्शन टू लगभग 26 किलोमीटर, ऑप्शन थ्री लगभग 32 किलोमीटर या ऑप्शन फोर लगभग 42 किलोमीटर। कर्क रेखा का नाम कर्क तारा मंडल के नाम पर पड़ा है। 36,788 किलोमीटर लंबी कर्क रेखा कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। भारत में ये रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई करीब 26 किलोमीटर है। ये राजस्थान में कालिंजर से होकर गुजरती है। क्या आपको पता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? ऑप्शन वन 4.5 घंटे, ऑप्शन टू 5.5 घंटे, ऑप्शन थ्री 6 घंटे, ऑप्शन फोर 3.5 घंटे। 19वीं शताब्दी में लंदन काफी एडवांस समुद्री शक्ति था। यहाँ के नाविक ग्रीनविच में स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी को 0 डिग्री देशांतर मानकर समय की गणना करते थे। बाद में पूरे विश्व में यही व्यवस्था लागू हो गई और यहाँ से ही समय की गणना होने लगी।
भारत के स्टैंडर्ड समय को 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से गिना जाता है और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। क्या आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर बदलने पर समय में कितने मिनट का फर्क पड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 पवन द्वारा अपरदन, ऑप्शन 2 जल द्वारा अपरदन, ऑप्शन 3 पवन द्वारा निक्षेपण, ऑप्शन 4 जल द्वारा निक्षेपण। हवा और पानी दोनों ही पृथ्वी पर तरह तरह की भू आकृतियां बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। पानी के द्वारा अपरदन से बनने वाली आकृतियों में घाटियां, गोर्स, कैनियन आते हैं, जबकि इनके द्वारा डिपोजिशन से बनने वाली आकृतियों में डेल्टा, अलुवियल फैन और गोखुर झील प्रमुख हैं। हवा द्वारा अपरदन से बनने वाली सबसे महत्वपूर्ण आकृति मशरूम पत्थर और डिपोजिशन से बनने वाली सबसे प्रमुख आकृतियां रेत के टाइल और लोयस हैं। क्या आपको पता है कि लहरों के द्वारा होने वाले अपरदन और डिपोजिशन से कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। माउंट एवरेस्ट का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन 1 इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, ऑप्शन 2 शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, ऑप्शन 3 भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, ऑप्शन 4 भारत के वॉयसराय के नाम पर। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में कंचनजंगा को दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता था, लेकिन बाद में एक ऐसे पहाड़ की बात शुरू हो गई जिसके कंचनजंगा से भी ऊंचा होने का अनुमान लगाया जाने लगा। उस समय इसका नाम गामा रखा गया। बाद में जब 1856 में नापजोक के बाद अंग्रेजों ने इसकी ऊंचाई 8,839 मीटर बताई और इसका नाम ब्रिटिश भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया। क्या आपको पता है कि एवरेस्ट को नेपाल और चीन में किन किन नामों से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। सांभर झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। जयपुर और अजमेर शहरों के बीच स्थित सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये झील हर साल भारत में होने वाले नमक का करीब 9% अकेले ही पैदा करती है। साइबेरिया से आने वाले फ्लेमिंगो को ये झील कुछ समय के लिए शरण स्थल प्रदान करती है। इस वजह से ये भारत का एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल है। क्या आपको पता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है और कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत में प्राकृतिक रबर को 16 से ज़्यादा राज्यों में करीब 6 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन केरल में होता है। केरल अकेले ही भारत का 90% रबर उगाता है। इसके बाद त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु और असम आते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा रबर थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम द्वारा उगाया जाता है। क्या आपको पता है कि भारत रबर उत्पादन के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्यूगा घाटी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। 1970 के दशक में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा की जगहों की खोज चालू की और कुल 7 जगहों को पहचाना। इन जगहों में सबसे उपयुक्त जगह हिमालय में लद्दाख के पास स्थित प्यूगा घाटी थी। एक अनुमान के अनुसार इस घाटी में पूरे जम्मू कश्मीर की ज़रूरत का 40% बिजली अकेले पैदा करने की क्षमता है। अभी फिलहाल इस घाटी में एक जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगाने की बातें भी चल रही हैं। क्या आपको पता है कि भारत में प्यूगा घाटी के अलावा और किन-किन जगहों पर जियोथर्मल ऊर्जा मिलने की संभावना व्यक्त की गई है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पिछले 5 सालों में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन रहा है? चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम। दुनिया में पिछले 5 सालों में चावल का निर्यात करीब 18% बढ़ा है। 2016 में चावल निर्यात का कुल मूल्य 20 अरब डॉलर से बढ़कर 2020 में करीब 25 अरब डॉलर तक जा चुका है। दुनिया का करीब 75% निर्यात किया जाने वाला चावल एशिया में उगाया जाता है।
इसके बाद 9% के साथ यूरोप और 8% के साथ उत्तरी अमेरिका का नंबर आता है। अगर बात करें देशों की तो भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका और वियतनाम दुनिया का 71% चावल निर्यात करते हैं। इनमें भी भारत अकेले ही दुनिया का 32% यानी कुल 8 अरब डॉलर मूल्य का चावल दूसरे देशों को बेचता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत चावल के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। क्या आपको पता है कि भारत में चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राजस्थान नहर में पानी निम्न में से किस नदी से आता है? यमुना, झेलम, रावी, सतलज। भारत की सबसे बड़ी नहर राजस्थान का निर्माण सन 1952 में शुरू हुआ। निर्माण होने के बाद 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। इस नहर की लंबाई करीब 600 किलोमीटर है। इस नहर की शुरुआत हर के बैराज से होती है जो सतलज और ब्यास नदी के संगम के कुछ किलोमीटर नीचे स्थित है। इस नहर की समाप्ति थार के रेगिस्तान में होती है। इस नहर के बनने से राजस्थान में हरित क्रांति आई, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और रेत के टीले स्टेबलाइज हुए। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नहर सिस्टम किस देश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मालदीव और भारत के बीच समुद्री सीमा को निम्न में से क्या बोला जाता है? 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इनमें से कोई नहीं। दुनिया में कई देशों के बीच की सीमाएं वहां से गुजर रही अक्षांश या देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती हैं। उदाहरण के लिए 17th पैरेलल उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा थी। 38th पैरेलल उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा है। 49th पैरेलल अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है। भारत से जुड़ी कुछ इस तरह की रेखाओं में मालदीव और भारत की सीमा को 8 डिग्री चैनल बोला जाता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप को बाकी लक्षद्वीप से अलग करती है और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। क्या आपको पता है कि इराक और ईरान को कौन सी पैरेलल रेखा अलग करती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना। गोपीनाथ बोरदोलोई एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो गांधी जी के अहिंसावादी कार्यक्रमों में विश्वास रखते थे। 1921 में असम में कांग्रेस की यूनिट की स्थापना होने पर वो उससे जुड़ गए और 1922 में असहयोग आंदोलन के चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्र भारत में असम के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। बोरदोलोई के नाम पर ही भोरझार में स्थित हवाई अड्डे को लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया है। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में मुंबई के हवाई अड्डे का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम और समापन दोनों भारत में होता है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी, चंबल। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और कोसी नदियों की उत्पत्ति चीन के तिब्बत क्षेत्र से होती है। ब्रह्मपुत्र भारत बांग्लादेश से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिलती है। कोसी नदी नेपाल के रास्ते से होकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। अगर बात करें चंबल नदी की तो ये यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से होता है और ये राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। क्या आपको पता है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में खरीफ की फसल की कटाई का मौसम निम्न में से कौन है? जनवरी मार्च, फरवरी अप्रैल, सितंबर अक्टूबर, नवंबर जनवरी। खरीफ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पतझड़। ये ऐसी फसलें होती हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की शुरुआत में यानी जून के महीने के आसपास बोई जाती हैं और पतझड़ का मौसम आने पर काटी जाती हैं। इनमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, संतरा, अरहर, उड़द, मूंग जैसी फसलें आती हैं। इन फसलों की कटाई सामान्यतः सितंबर के तीसरे हफ्ते से लेकर अक्टूबर तक होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये नवंबर में भी काटी जाती हैं। रबी भी अरबी भाषा का शब्द है।
लेकिन क्या आपको इसका अर्थ पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। चेन्नई निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? अड्यार नदी, अलकनंदा नदी, चंबल नदी, ब्राह्मणी नदी। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित देश का छठा सबसे बड़ा शहर है। इसे भारत का हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है। चेन्नई अड्यार नदी के किनारे पर स्थित है। ये नदी चेन्नई के दक्षिण से होकर बहती है। ये नदी तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले से निकलती है और 42 किलोमीटर की छोटी यात्रा के बाद ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी के अलावा कूवम और कौर्तालेयर नदी भी चेन्नई में बहती है। क्या आपको पता है कि उस झील का नाम क्या है जिसे राजेंद्र चोल ने बनवाया था और जिससे अडयार नदी निकलती है? कमेंट बॉक्स में बताएं।